thank mm -hmm. you वेलकम बैक टू माई चैनल दैट बैक बेंचर्स अकेडमी आज का हमारा जो वीडियो है उसमें कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रेम रिले प्रिंसिटाबलिशिंग डी एस एल ए डी एस एल नेटवर्क विद पी 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 ओई नैट एंड स्टाब्लिशिंग एंटरप्राइज रेडियो एक्सेस नेटवर्क सोल्यूशन तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेम रिले प्रिंसिपल हमारा फ्रेम रिले प्रिंसिपल एक ऐसा पैकेट स्विचेड कम्युनिकेशन सर्विस है जो हमें लैंड प्रोवाइड करता है और ये जो सर्विस है इस ये एज अ बैकबोन एक्ट करता है किसके लिए हमारे नेटवर्कस के लिए और हमारे वैन के लिए दैट इज द वाइट एरिया नेटवर्क के लिए उनके लिए एज अ बैकबोन एक्ट करता है या ऑपरेट करता है हमारे दो लेयर्स पे पहली लेयर हमारी है फिजिकल लेयर एंड दूसरी लेयर हमारी है डेटा लिंक लेयर इन दो लिंक लेयर्स पे ये हमारा एक्ट करेगा और सेकंड ये सपोर्ट करता है तमाम स्टैंडर्ड फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स और जो फ्रेम रिले है ये यूज करता है वर्चुअल सर्किट्स ताकि ये सिंगल राउटर को कनेक्ट कर सके मल्टीपल रिमोट साइट्स पे और सेकेंड अगर हम इसमें देखेंगे तो ये एक ऐसा पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है जो डेवलप की गई थी क्यों ताकि हम डेटा को सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें एक हाई स्पीड डिजिटल कनेक्शन पे जैसे हाई स्पीड डिजिटल कनेक्शन में एक और एग्जांपल आती है आई की तो सेकेंड हमारे पास जो फ्रेम रिले है ये बहुत ही फर्स्ट पैकेट टेक्नोलॉजी है जो किस पे बेस्ड है तो दैट इज एक्स पॉइंट सेकेंड जो डेटा ट्रांसमिट यहाँ पे होता है उसको पहले हम इनकेपचुलेट करते हैं किसमें मल्टीपल साइजड फ्रेम्स में और जो हमारा फ्रेम रिले में हमारा एक और प्रॉब्लम भी होती है कि यहाँ पे कोई भी एरर करेक्शन नहीं होती है जहाँ एरर करेक्शन नहीं है दैट मीनस ये काफी फास्टर प्रोटोकॉल होगा और फ्रेम रिले नेटवर्क्स जो हैं ये हमारे पास सपोर्ट करते हैं दो तरह के वर्चुअल सर्किट कौन से दो तरह के वर्चुअल सर्किट्स ये हमें सपोर्ट करते हैं दैट इज एस एंड पी अब एस और पीवीसी क्या है एसवीसी का मतलब स्विचड वर्चुअल सर्किट्स एंड पीवीसी का मतलब परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स और उसके बाद हम कुछ फीचर्स देखेंगे एफ के दैट इज अवर फ्रेम रिले ये डेवलप हुआ था ज्यादातर किसके लिए आई एस के लिए लेकिन ये आज यूज होता है किसी भी नॉन आई एस डी एन नेटवर्कस के लिए भी यूज होता है चाहे पब्लिकली यूज करो या प्राइवेटली यूज करो थ्रोपुट की बात करेंगे तो काफ़ी हायर थ्रोपुट है इसमें कोई भी एरर कंट्रोल नहीं है इसमें होप टू तो होप फ्लो कंट्रोल नहीं है सेकेंड हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग और स्विचिंग जो है इसमें वहां पर मल्टीप्लेक्सिंग और स्विचिंग को कौन बैलेंस करेगा उसको कौन मेंटेन करेगा जो लेयर टू है हमारे टीसीपी सी ओएसआई मॉडल की तो वो चीज़ इसको मेंटेन करेगी अनदर फ्यूचर जो हमारा इसको दैट इज द कंट्रोल सिग्नल्स जो यहाँ पे होती हैं वो कौन कैरी करता है वो होता है सेपरेट लॉजिकल सर्किट से अनदर एक अलग से लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं जहाँ से वो चली जाती हैं कैरी हो जाती हैं और ये मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट करता है जैसे कि टी सी पी अब हम देखेंगे फ्रेम रिले नेटवर्क की थोड़ी सी फिगर से आपको अंडरस्टैंड करवा देते हैं तो ये देखिए जल्दी से एक फ्रेम रिले नेटवर्क की फ़िगर यहाँ पर टर्मिनल्स हैं दूसरा पर्सनल कंप्यूटर्स आपस में कैसे कनेक्ट हैं तो ये आप देख लीजिए

थर्ड हमारे पास ई ए दैट इज द एक्सटेंडेड एड्रेस ये दो बिट का फील्ड है जो हमें अगर हमारे पास कोई भी आईपी एड्रेस है पॉसिबल एड्रेस है उसको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हेल्प करेगा ये थर्ड एफ ई सी एन ये कोर फील्ड है इसका मतलब क्या होता है ये हमें मदद करता है किसमें कंजेशन के लिए कंजेशन कंट्रोल और इसका मतलब फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन सेम इसी तरह हमारे पास बी ई सी एन बी है वो भी हमारा कंजेशन कंट्रोल में ही यूज होता है बट दैट इज फॉर द बैकवर्ड कंजेशन क्योंकि उसका बी ई सी एन का मतलब बैकवर्ड एक्सप्लिसिट

आती हैं 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 के कौन सी यूज करते करते ये ये सब तुपॉलजीज, तुपॉलजीज जो यूज करते हैं। देन कुछ सबसे एडवांटेज इसमें तो है नहीं दैट मीन स्पीड काफी फास्ट होगी आप लिए हम एलोकेट कर सकते हैं बैंडविड्थ जब भी हमें चाहिए अपनी नीड बेसिस और ओवरहेड जो नेटवर्क ओवरहेड है वो काफी है अब इसकी फटाफट से हम अपने डिसएडवांटेज देख लेते हैं फ्रेम रिले की तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज एडवांटेज है और मेजर जो दो एडवांटेज है वो यही है एक तो इसमें कोई भी फ्लो कंट्रोल नहीं है और सेकंड इसमें कोई भी एरर कंट्रोल नहीं है अपना फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल नहीं है और बेसिकली यही दो इसकी मेन डिसएडवांटेज है तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है तो फटाफट से हम अपना दूसरा टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं दैट इज इस्टाब्लिशिंग डी एस एल ए डी एस एल नेटवर्क विथ पी 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 ओई तो सबसे पहले हमें इसमें डीएसएल और ईडीएसएल देखते हैं पहले ये चीजें क्या हैं फिर पीपीपीओ पी आएंगे पहले डीएसएल का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लैन यहां पर क्या होता है ये होता ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी वजह से हम लोगों पर मैसेज डाल सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडबैंड ये टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज की जाती है एज कम्पेयर टू तो अन अदर टेक्नोलॉजी डीएसएल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे ब्रॉड बैंड की स्पीड काफी फास्ट होती है और जब हमें विद इन द किलोमीटर्स और माइल्स होंगी तो वहाँ पे हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ द कॉपर वायरिंग अब ए डी एस एल डेट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका मतलब वे, और जो है है वो काफी फास्ट uh, होती है. As, कि, किस साइड पे दैट इज टूवर्ड कस्टमर साइड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रिवर्स साइड अब देखेंगे PPPOE. आप इस पे कैसे यूज करते हैं डीएसएल इसका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट ये कैसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जहां पे encapsulating हो इनकेप्सुलेन होती है किसकी पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट फ्रेम्स की कहा इथरनेट विद इन द इथरनेट फ्रेम्स तो सबसे पहले ये पे डेवलप हुआ था 1999 में किसने किया था यू यू ने किया था डेवलप अब बहुत सारे जो डीएसएल प्रोवाइडर्स हैं वो यूज करते हैं हमारा पीपीपीओ क्यों क्योंकि पीपीपीओ जो है ये हमें ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन और कंप्रेशन प्रोवाइड करता है इसीलिए ये यूज होता है अब जो हमारा ये पी 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 ओई है ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे या तो हम ये सिंगल डिवाइस उस डिवाइस पे इम्प्लीमेंट करेंगे जो दोनों डीएसएल मॉडम को भी सपोर्ट करेगा आईपी राउटिंग फंक्शन भी होंगे या हम उस डिवाइस पे करेंगे जो सिंपली डीएसएल मॉडम को सपोर्ट करेगा या डायरेक्टली हम यूजर के कंप्यूटर पर ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो ये यह देखिए यहाँ पे पीपीपीओ किस लेयर पे है दैट इज अटवर्स नेटवर्क नेटवर्क एक्सेस लेयर पे हमारा पीपीपी एंड पीपीपीओ

स्टेप है इसको बोलते हैं हम पीपीपीओ डिस्कवरी और इसमें तीन स्टेप्स है किन तीन स्टेप्स की वजह से हम ये डिस्कवरी करेंगे सबसे पहले इनिशलाइजेशन यहाँ पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है ये सेंड करेगा एक पीपीपीओ एक्टिव डिस्कवरी इनिस्टलेशन पैकेट किसको सर्वर को किसके लिए ये इसको बोलेगा कि आप इनिशिएट कर दो इस से, आ, सेशन को फिर आ गया सेकंड हमारे पास ऑफर यहाँ पे जो सर्वर है वो रेस्पोंड करेगा इसको वापस रेस्पोंड करेगा किसकी हेल्प से दैट इज पी एडीओ थर्ड हो गया रिक्वेस्ट हमारा क्लाइंट रेस्पोंड करेगा ये सेंड करेगा एक पीपीपीओ एक्टिव डिस्कवरी रिक्वेस्ट पैकेट कहाँ वापस सर्वर को और लास्ट पे कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन पैकेट जो है ये सेंड हो हो जाते हैं क्लाइंट को कंफर्म गया और यहाँ पे अब इनकी कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट है उसके बाद अब थोड़ा सा देखते हैं जो ये पीपीपीओ है ये वर्क कैसे करता है मेनली ये काम करता है डीएसएल सर्विसेज के साथ जहाँ पे इंडिविजुअल यूजर्स को कनेक्ट किया जाता है डीएसएल मॉडम के साथ किसकी हेल्प से दैट इज ओवर इथरनेट क्योंकि ये इथरनेट के बारे में हम बात कर रहे हैं और इथरनेट नेटवर्क जो है ये क्या है ये एक ऐसे पैकेट बेस्ड होते हैं जहाँ पे इन इनमें हम फर्दर कैपेसिटी नहीं होती है कनेक्शन की या सर्किट की अंडर एडिशनल आप इसमें कोई सर्किट ऐड करना चाहो नहीं नहीं कर सकते सेकंड इसमें जो बेसिक सिक्योरिटी फीचर है वो थोड़ा कम ही होता है अब अनदर uh, हम बात करेंगे जो पी 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 ओ है अगर हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए सबसे पहले यूजर्स वर्चुअली डायल करेंगे एक मशीन से दूसरे मशीन पर और उसके बाद ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इस्टैब्लिश हो जाएगा फिर डेटा पैकेट जो है वो सिक्योरली सेंड हो जाएंगे कहाँ बिटवीन दीज कनेक्शन वंस द कनेक्शन इज इस्टैब्लिश

इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर और ये एक इजी वे है जिस वे से हम इसलिए ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी बैंड वर्थ हमें चाहिए जब हम यूज़ कर रहे हैं या कितनी बैंडविड्थ हमें फ्यूचर में चेंज करनी है इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट एंड अनदर टॉपिक आपका आता है नेट दैट इज द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन तो फटाफट फट से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं नेट हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से लॉजिकल आईपी एड्रेसेस को ट्रांसलेट किया जाता है ग्लोबल आईपी एड्रेसेस के साथ एंड वर्सा दैट मींस ग्लोबल को वापस किया जाता है लॉजिकल आईपी एड्रेस में क्यों ताकि क्या हो जाए लोकल होस्टर्स को एक्सेस मिल जाए इंटरनेट और सेकेंड यहाँ पे ट्रांसलेशन जो होती है वो पोर्ट नंबर की भी होती है दैट मीनस पोर्ट नंबर की ट्रांसलेशन का मतलब जो पोर्ट नंबर का मास्क होगा होस्ट के पोर्ट नंबर का मास्क उसको किया जाता है ट्रांसलेट विद अनदर पोर्ट नंबर उसी जहां पे हमें वो राउट करना है उसी पैकेट के अनदर पोर्ट नंबर के साथ किया किया जाता है ट्रांसलेट और उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद ये कॉरस्पॉन्डिक जो एंट्रीज होती है आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर की ये डाली जाती है नेट टेबल में नेट टेबल जनरली काम करता है राउटर पे और फायरवल पे अब हम देखते हैं जो हमारा नेट है इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखते हैं इसमें होते हैं बॉर्डर बो, राउटर्स बॉर्डर राउटर्स बॉर्डर बॉर्डर रोडर्स हमारे पास वो रॉटर्स हैं जिनका एक इंटरफेस होता है लोकल नेटवर्क पे दूसरा इंटरफेस ग्लोबल नेटवर्क पे सबसे पहले बॉर्डर को कन्फिगर करना पड़ता है नेट के लिए ठीक है एनएटी के लिए उसके बाद उसके बाद हमें क्या करना है जो पैकेट ट्राइवर्स होगा आउटसाइड से अगर वो लोकल नेटवर्क पे ट्राइवर्स हो रहा है ठीक है तो उस टाइम पे नेट जो है वो कन्वर्ट नेट का मतलब एन जो हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की बात करेंगे ये लोकल एड्रेस को क्या करेगा कन्वर्ट टू ग्लोबल एड्रेस में उसके बाद अगर पैकेट हमारा एंटर हो रहा है लोकल नेटवर्क uh, में तो उस टाइम पे ग्लोबल आईपी एड्रेसेस को कन्वर्ट किया जाएगा लोकल आईपी एड्रेस में क्योंकि ये दोनों को कन्वर्ट कर सकता है फिर जो नेट अगर फॉर एग्जाम्पल नेट नेट के पास आईपी एड्रेसेस नहीं रहे नेटवर्क पूल में एड्रेसेस नहीं रहे तो उस टाइम पे सारे पैकेट ड्रॉप किए जाएंगे और उस टाइम पे आईसीएमपी होस्ट अनरीचेबल मैसेज सेंड किए जाएगी सर्वर को अब हमारे पास है नेट के कुछ टाइप्स पहला टाइप हमारे पास स्टार्टिंग नेट आता है इसमें क्या किया जाता है सिंगल अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेसेस को मैप किया जाता है लीगली रजिस्टर्ड पब्लिक एड्रेस के साथ और इनकी जो रजिस्ट्रेशन जो होती है दैट इज मैपिंग मैपिंग जो होती है, one -one, होती है है वन वन टू बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल का मतलब होता है प्राइवेट एंड रजिस्टर्ड का का एड्रेस होता है दैट इज द पब्लिक आईपी एड्रेस और ज्यादातर यूज किसके लिए होते हैं ये स्टैटिक वाले वेब होस्टिंग के लिए और ये आर्गेनाइजेशन के लिए हम ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिवाइस है बहुत सारे डिवाइस को नेटवर्क एक्सेस चाहिए नेक्स्ट एक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमें पब्लिक IP addresses भी चाहिए होंगे जो कि कभी-कभी नहीं होंगे, तो तो उस टाइम पे करना पड़ेगा हमें वो तो इसलिए ज़्यादा ये प्रेफर नहीं करती सेकंड टाइप आता है डायनेमिक नेट इस वाले नेट में क्या होता है अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेसेस को ट्रांसलेट किया जाता है अब रजिस्टर्ड आईपी एड्रेसेस में ठीक है और कहाँ से ये एड्रेसेस आते हैं फ्रॉम पूल ऑफ पब्बिक आईपी एड्रेसेस फिर से अगर आई पी पूल में फ्री नहीं थे तो उस टाइम पैकेट ड्रॉप हो जाएगा और सिर्फ प्राइवेट एड्रेसेस को ही हम ट्रांसलेट कर सकते हैं तो द पब्लिक आई पी एड्रेसेस दैट मीनस ये फिक्सड नंबर होते हैं। तो हमारा थर्ड टाइप का जो आ, आता है नेट दैट इज पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन ये हमारा इसका थर्ड टाइप का है तो इसको हम नेट ओवरलोड भी बोलते हैं इस वाले को कौन से को पैड को पैड को हम नेट ओवरलोड भी बोलते हैं ये पैड क्या है ये एक टाइप है इसी का ही एन का ठीक है तो इसमें बहुत सारे जो लोकल आई पी एड्रेसेस है उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं टू तो ए सिंगल रजिस्टर्ड आई एड्रेस और लोकल कौन से हो गए प्राइवेट और रजिस्टर्ड कौन से हो गए दैट इज द पब्लिक तो पोर्ट नंबर यूज किए जाते हैं जो ट्रैफिक को हमें डिस्टिंग्विश करना है ना ताकि इनकी जो आई पी एड्रेसेस है ट्रैफिक के अलग अलग अब उनको डिस्टिंग्विश भी तो करना है उनको सेपरेट करने के लिए हम पोर्ट नंबर्स यूज करते हैं और उन नंबर से हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस आईपी एड्रेस से बिलोंग कर रहा है हमारा ट्रैफिक अब ज्यादातर ये यूज Uh, ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एक ही बार कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट को विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबल आईपी एड्रेस तो कॉस्ट इफेक्टिव है ज्यादा कास्ट की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अब फटाफट से हम नेट के कुछ एडवांटेज देख लेते हैं सबसे पहला एडवांटेज जो है इसमें क्या लीगली रजिस्टर्ड आई पी को कंजर्व करता है ये पहला एडवांटेज दूसरा ये क्या करता है डिवाइस के आई एड्रेस की प्रवेसी इसमें काफी प्रवेसी है प्रवेसी क्यों है क्योंकि जो भी ट्रैफिक यहाँ पे सेंड और रिसीव होता है और जो डिवाइस के आई पी होते हैं दे बोथ आर हिडन जब हिडन है तो ऑबियसली काफ़ी सिक्योर होगा और थर्ड जो है ये हमारा जो एडिशनल नंबरिंग हमें जो इन एड्रेसिंग uh, जो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है एड्रेस को तो उसको ये एलिमिनेट करता है उसकी नीट को अब फटाफट से डिसएडवांटेज देख लेते हैं सबसे पहले डिसएडवांटेज इसकी क्या है ट्रांसलेशन जो है वो उसकी वजह से स्विचिंग पाथ काफ़ी डिले हो जाते हैं सेकेंड हमारे पास जो है uh, कभी कभी कोई ऐसी एप्लीकेशन भी होती है अगर नेट ऑन पे इनेबल होगा तो वो फंक्शन नहीं करेंगे और ये काफ़ी टनलिंग प्रोटोकॉल जो हैं जैसे आई सेक है उसमें टनलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसको काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है तो अब हम देखते हैं कि वाई वी यूज द नेट दैट इज द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं तो इसका इस्तेमाल करने के लिए बेसिकली एक ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट दैट इज़ कि इसकी सिक्योरिटी और कंजर्वेशन सिक्योरिटी इसकी बहुत ज्यादा है प्राइवेसी बहुत ज्यादा है तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक एंड हो जाता है एंड लास्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं दैट इज इस्टिशिंग एंटरप्राइज रेडियो एक्सेस नेटवर्क सोल्यूशन ठीक है तो चलिए फटाफट से अपना ये स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले जो आर ए एन में रेडियो एक्सेस नेटवर्क को यहाँ शॉर्टकट फॉर्म में यूज करूंगी दैट इज RAN. RAN एक ऐसा कलेक्शन ऑफ सेल्यूलर वायरलेस एक्सेस पॉइंट है जिसमें क्या हो जाता है ये एक मेन कंपोनेंट है जो प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क है उसका नाम है अलै अलेना जो मोबाइल कंपोनेंट दैट इज द मोबाइल नेटवर्क है उसका एक मेन पॉइंट है जो रैन है ये क्या करता है हमारा एक सेलोना जो नेटवर्क है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली रजिस्टर करता है एक्सेस सिस्टम सर्विसेज को जो सेटिस्फाई किसने किए जो किसने दिए हैं वो दिए हैं एफसीसी ने और एफसीसी किस uh, कहां से आया किस स्टेट से दैट इज द यूनाइटेड स्टेट से तो एग्जिस्टिंग जो रैन सिस्टम्स थे उनको हम सिंपली अपग्रेड अपग्रेड कर सकते हैं जैसे रेडियोज़ की बात करेंगे उनको 5G में अपग्रेड कर सकते हैं आर्किटेक्चर सेम रहेगा और कन्फिग्रेशन भी सेम रहेगी तो आ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ईजी है इन अपग्रेड करना काफ़ी इजी है सिलोना की अगर हम बात करेंगे दैट इज़ ये क्या करता है सिंपली डेवलपमेंट करता है डिप्लॉयमेंट uh, करता है एक्सेस पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ द रेन कैसे ज़ीरो टच प्रोविजनिंग एंड क्लाउड नेटवर्किंग प्रिंसिपल से तो इसकी वजह से काफी आसान हो जाता है वाई uh, फाई की वाईफाई के लिए एक सोलूशन बन जाता है सेकंड हम बात करेंगे सोलूशन ओवरव्यू की अब जो हमारा फाइव जी इंटरप्राइज रैंड है वो एक सिंपल सिस्टम है जिसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं सबसे पहला कंपोनेंट आता है सेंट्रल यूनिट दैट इज़ द सी यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है हमारे फाइव जी रेडियोज़ को जो इसके साथ जितने भी कनेक्शन अटैच हैं चाहे वो मोबाइल कोर्स हैं या लोकल एल टी सिस्टम्स हैं जो भी सिस्टम्स इसके साथ लिंक्ड हैं वो उनको मैनेज करेगा और उनको फाइव जी सर्विस प्रोवाइड करेगा रेडियो नोट्स ही हमारे पास सेकेंड तरह के कम्पोनेंट्स हैं इनकेस रेन ये कनेक्ट होते हैं विद हेल्प ऑफ द इट और यूज क्या करते हैं फाइव कंपोजिट अब हम हम देखते हैं जो रेन इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन है है इसकी तीन स्टेप्स में होती है. पहला डेवलप करना होता है डिजाइन और इंस्टॉल करना होता है सिस्टम के लिए कुछ प्लेन उसके बाद हमें सी यू सी यू का मतलब सेंट्रल यूनिट सॉफ्टवेयर और रेडियो नोट्स जो है इनकी केबलिंग देखनी पड़ती है एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए क्योंकि सी यू का होना बहुत जरूरी है यही तो प्रोवाइड करेगा सर्विसेज एंड थे थर्ड पार्ट हमें अपग्रेड और एक्टिवेट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग कॉर्निंग सेल्यूलर सिस्टम्स को ताकि वो सपोर्ट करे नया फाइव जी इंटरप्राइज रैन को तो उसके बाद अब हम सेकेंड देखेंगे दैट इज़ द कुछ एलिमेंट्स देखेंगे अपने रैन के रैन दैट इज़ द रेडियो एक्सेस नेटवर्क अब इसके जो एलिमेंट्स हैं सबसे पहले एंटीनाज इसमें आते हैं एंटीनाज कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रेडियो सिग्नल्स में देन देयर इज अ रेडियो रेडियो ट्रांसमिट करते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन को इनटू सिग्नल्स जो हम सेंड करते हैं वायरलेसली बिल्कुल भी वायरस में कनेक्टेड नहीं होती हैं फिर हो गया बेस बैंड यूनिट्स ये प्रोवाइड करते हैं सेट ऑफ सिग्नल्स जो फंक्शन uh, को प्रोसेस करते हैं और वायरलेस इस, कम्युनिकेशन इसी की वजह से पॉसिबल है बेस बैंड यूनिट्स की वजह से पॉसिबल है और हमारे पास अब रैन का कुछ आर्किटेक्चर है जो हम देख लेते हैं इसका आर्किटेक्चर देखिए अब ये है इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर के कैसे आपस में कनेक्ट है जैसे रेडियो सिग्नल्स है सेम उसी तरह अब सेकेंड हम बात करेंगे हाउ डज रैन वर्क अब हमारा रैन काम कैसे करता है सबसे पहले रैन प्रोवाइड करता है एक्सेस और क्या करता है कॉर्डिनेट करता है मैनेजमेंट प्रोसेस को मैनेजमेंट ऑफ रिसोसेज जितनी भी रिसोर्सेज है हमारे रेडियो साइज पे उसको मैनेज करता है अब अगर हैंडसेट फोन्स की बात करेंगे हैंडसेट डिवाइसेस की बात करेंगे तो वायरलेसली ये कनेक्ट होती है विद हेल्प ऑफ बैकबोन या कोर नेटवर्क के साथ रैन रैन सेंड करता है सिग्नल्स वायरलेस एंड पॉइंट्स पे और ये सिग्नल्स फिर ट्रांसमिट होती हैं ट्रैफिक एक जगह से दूसरी नेटवर्क्स में ट्रांसमिट होता है सिंगल हैंडसेट या फोन भी हम यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम विद हेल्प ऑफ मल्टीपल रेंज लेकिन उस चीज को हम बोलते हैं डिबल मोड हैंडसेट्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स फॉर टूमोरोज एग्जाम एंड इफ यू न्यू ऑन माइ चैनल एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड